हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप ट्वेल्थ की पढ़ाई कर रहे हो या फिर ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे बीएससी कोर्स के बारे में, जिसे ट्वेल्थ साइंस के स्टूडेंट करते हैं। साइंस में दो ग्रुप रहता है, एक मैथ्स ग्रुप रहता है, एक बायोलॉजी ग्रुप रहता है। दोनों ही ग्रुप के बच्चे बीएससी में इंटर करते हैं, बीएससी की पढ़ाई करते हैं। ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बीएससी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बीएससी कोर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीएससी कितने प्रकार का होता है, कितने साल का होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो। तो सबसे पहले बीएससी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन बीएससी, जिसको जनरल बीएससी भी कहते हैं। इसमें आपका मेन तीन सब्जेक्ट रहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश कॉमन रहता है। यह अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। अभी कुछ कुछ जगह 4 साल का स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप 4 साल का बीएससी करते हो तो आपका जो पीजी रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, वो 1 साल का रहेगा, जो कि 2 साल का रहता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बीएससी, जिसको ऑनर्स भी कहते हैं। इसमें अपने सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर उसी सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी होती है, जिसको स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। इसको करने के बाद आप उसी फील्ड में आगे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है ऑनर्स की डिग्री को, स्पेशलाइजेशन कोर्स को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप बीएससी इन ऑनर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट लेना है, आपको 3 सब्जेक्ट लेना है, तो आप जनरल बीएससी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कितने टाइप्स का जो जनरल बीएससी होता है या फिर जो स्पेशलाइजेशन आप किन किन कोर्सेज में या फिर किन किन सब्जेक्ट में कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल बीएससी में आपका फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, मैथ्स रहता है, जूलॉजी रहता है, होम साइंस में आप कर सकते हो, बॉटनी में कर सकते हो, स्टैटिक्स में कर सकते हो और बायोलॉजी में कर सकते हो। अब बात करते हैं आपका स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है, उसमें आप किन किन सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो इसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी एनिमेशन है, बीएससी मल्टीमीडिया है, बीएससी इंटीरियर डिज़ाइन है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बीएससी साइकोलॉजी में कर सकते हो, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हो, बीएससी बायो इन्फॉर्मेशन में कर सकते हो और बीएससी आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो बीएससी आप स्पेशलाइजेशन की कोर्स कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स है वो 4 साल का होता है, जिसमें आप किसी एक फील्ड में आप पढ़ाई करते हो। यह हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इनमें जो सब्जेक्ट बताया हूँ, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मैं जो डिमांडेड कोर्स है उसके बारे में बताया हूँ। अगर आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ। वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। चले मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक में, किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।